मैं और मम्मी अभी मार्केट आए हुए हैं। जी हाँ, क्योंकि जाहिर सी बात है जिन जिनके घर छठ पूजा होती है वो नए साड़ी लेते हैं, क्योंकि सबको पता है कि छठ पूजा में नई साड़ी पहनी जाती है। साड़ी क्या, जो पहला जो अर्घ होता है उसका जो भी कपड़ा आप पहनते हैं वो नया होना चाहिए। हम लोग तो फिलहाल ऐसे ही मनाते हैं, तो हम लोग निकले साड़ी के लिए। और इस बार हम लोगों ने चांदनी में करके कुछ चेक आता है साड़ी, मुझे एग्जैक्ट अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो प्लीज़ सॉरी, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता क्या बोलते हैं, उस टाइप की साड़ी मम्मी के लिए मैंने ली। और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था जब मम्मी पहनेगी तो उसका फाइनल लो आप देख ही लेंगे छठ पूजा में। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आज से छठ पूजा स्टार्ट हो गया है। जी हाँ, आज है नहा खा, आज के दिन से स्टार्ट हो गया है हम लोग का छठ पूजा। बट मेरी मम्मी खरना नहीं करती है, जो कि कल है। खरना में हम लोगों के यहाँ रोटी खीर बनता है, तो पहले मम्मी करती थी, बट 4-5 सालों पहले उसको बहुत सीरियस तबीयत खराब हो चुका था तो वो छूट गया था, तो इसकी वजह से वो खरना नहीं करती है 4-5 सालों से। और आज बस वो ऐसे ही नहा खा की तरह बस बाल वगैरह धो लिए। बट नहा खा हम लोगों का कल होगा, जो सिर्फ एक व्रत करता है वो नहा खा खरना के दिन करता है। और वैसे ऑफिशियली आज से छठ पूजा स्टार्ट हो चुकी है, तो आधा काम मतलब कंप्लीट हो चुका है, बर्तन निकालना, साफ करना और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी। फिलहाल मैं और भाई जा रहे हैं, कल मम्मी नहा खा करेगी तो उसके लिए फ्रेश किराना सामान लाने और बाकी जो भी ठेकुआ वगैरह बनेगा वो सारा सामान हम लोग आज ही स्टॉक करके रख देंगे, क्योंकि छठ पूजा में बहुत सारी तैयारियाँ होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो धीरे धीरे एक एक चीज़ कर लेना चाहिए। तो हम लोग पहले जा रहे हैं किराना सामान लाने के लिए, तो चलिए चलते हैं। किराना सामान तो खरीदा गया और अभी हम लोग रिक्शा में बैठे हैं, पता नहीं कई अरसों बाद में रिक्शा में बैठी हुई, इतना ज़्यादा झोला भर चुका है कि टोटो ऑटो में नहीं स्पेस रहता है, इसलिए हम लोगों ने रिक्शा किया कि रिक्शे से चलेंगे, रखा गया है। और यहाँ पे मेरा भाई भी, यहाँ पे भाई भी बैठा है और अभी हम लोग जा रहे हैं घर, बहुत ज़्यादा धूप है, तो चलिए घर। हमारा सामान आ चुका है 2 झोला भर के। कल रात को हम लोग गए थे मम्मी का साड़ी लेने के लिए, तो हमने ये केला का गवद भी ले लिया और साथ में यहाँ पे नारियल भी मम्मी निकाल रही है, हमने ये भी ले लिया कल ही। और ये गन्ने का जो लगता है कोसी भरने के लिए वो भी हम लोगों ने ले लिया है। एवरीवन कैसे हैं आप सब? मैं शाम को मिल रही हूँ डायरेक्ट वहाँ से, आने के बाद मैंने सारा सामान यहाँ पे रखने के बाद मम्मी के हाथ में मेहंदी भी लगाया मैंने, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि कुछ साल पहले मम्मी का तबीयत ख़राब हो चुका था, जिसकी वजह से वो सिर्फ एक ही छठ पूजा का फास्टिंग कर पाती है, जो कि घाट जाने वाला होता है वो खरना नहीं करती है। तो चूंकि कल हम लोग के यहाँ नहा खा है तो आज मम्मी फ्री थी, तो ये सारा काम निपटा के तो मैंने सोचा कि चलिए आपको मेहंदी लगा देते हैं, तो एक हाथ में मैंने उसको मेहंदी लगाया, अभी दूसरा हाथ में रात में लगाऊंगी। और अभी शाम को हम लोग जाएंगे, अभी नहीं थोड़ी देर के बाद, मतलब 1-2 घंटे बाद हम लोग निकलेंगे। मम्मी को चूड़ी वगैरह और पेटीकोट वगैरह जो साड़ी के साथ सेट वगैरह चाहिए वो सारी चीज़ें लेने के लिए, पीछे वो सब चीज़ ले कर रख चुके हैं, बाकी जो फ्रूट्स वगैरह कोसी का सामान है वो तो उस दिन आएगा, वो सब तो जिस दिन अर्घ दिया जाता है पहला दिन जिस दिन जाया जाता है घाट, उस दिन मॉर्निंग में हम लोग जाके लाते हैं कि फ्रूट्स ख़राब ना हो जाए इसकी वजह से। और बस बहुत अच्छे से तैयारी चल रही है छठ पूजा की, बहुत ही ज़्यादा खुशी का माहौल है, चारों तरफ गाने बज रहे हैं। मुझे पर्सनली छठ पूजा बहुत ही ज़्यादा पसंद है, अगर आप लोग मुझे पहले से फॉलो करते हैं तो आप लोगों को ये बात पता ही होगा, और मुझे छठ पूजा की सारी चीज़ें करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि घर में भाई लोग नहीं हैं, लेकिन मैं अगर रहती हूँ तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं खुद ही उठाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। फिलहाल अभी मैं छठ पूजा नहीं करती हूँ क्योंकि बेटा थोड़ा छोटा है और छठ पूजा हम लोगों के लिए महापर्व है, तो उसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं रह पाती है, तो इसलिए थोड़ा संभल के करना पड़ता है ताकि कोई गलती ना हो, तो इसलिए मैंने अभी नहीं उठाया है। बट कोशिश करूँगी कि छठ माँ जल्दी चाहे कि मैं भी इस व्रत को उठाऊँ और करूँ, बट अभी नहीं उठाया है, तो मैं बाकी जितनी भी चीज़ें होती है वो करती हूँ। मम्मी को ज़्यादा परेशान नहीं करते हम लोग, क्योंकि बहुत सारा काम रहता है छठ पूजा में, जिनके घर होता है वो रिलेट कर पा रहे होंगे, और एक तो फास्टिंग रहती है लेडीज़, तो ज़्यादा काम करने पे फिर तबीयत मेरी मम्मी का ख़राब ना हो जाए, एक बार बहुत ज़्यादा सीरियस ख़राब होने की वजह से तो छूट चुका है एक,
तो इसलिए हम लोग सारा काम खुद ही अपने हाथ में ले लेते हैं। तो बस ऐसी कुछ तैयारियां चल रही है, आप लोग के यहाँ भी आई होप अच्छे से तैयारियां चल रही होगी। तो बस छठी माँ का नाम लेकर तैयारियों में लग जाइए, और जैसे जैसे जो जो चीज़ें आगे आगे होगी थी मैं आपको बताती चलूँगी। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। शाम को थोड़ा फ्री होता है आदमी। पीस पीस नारियल कैसे है? हाँ सूप आज का खाना कद्दू और चावल और ये चना दाल और ये एक सब्जी एक्स्ट्रा बन गया है। तो ये है आज का नहा खाना माँ का खाना। और ये मेहंदी बच गया था तो मैंने लगा लिया, इतना ही मेहंदी बचा था। मम्मी को मेहंदी मैंने लगा दिया, एक हाथ में कल लगा दिया था और बाकी एक हाथ में आज लगा दिया है। वो जो निकालेगी चढ़ेगा तो दिखाएंगे, एक हाथ का मेहंदी उतना चढ़ा नहीं है, मैंने इतनी मेहनत से अच्छा सा मेहंदी लगाया बट चढ़ा ही नहीं, क्या कर सकते हैं। तो ये सिंपल खाना रहता है और रात में भी सिंपल सब्जी और रोटी जो भी बनता है वैसा बनेगा। बाकी जो है वो कल नया छठ का मतलब घाट जाने वाला दिन स्टार्ट होगा तो उसका ब्लॉगिंग मैं कल फ्रेश स्टार्ट करूँगी। इस ब्लॉग को छोटा ही रहने देते हैं और इसको मैं यहीं एंड करती हूँ, क्योंकि यही सिंपल सा खाना रात में भी रहता है, ऐसा और कुछ नहीं। बाकी सारी तैयारियाँ हो चुकी है कल के लिए, सामान सारा आ चुका है जैसे कि मैंने दिखा दिया। बाकी फल वगैरह जो है वो कल शॉपिंग होगी, जैसे जैसे जो जो होगा कल मैं आपको आगे बताऊंगी ब्लॉग में। इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। होप आपको छठ पूजा का ये छोटू सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो इस ब्लॉग को देखिएगा, शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और अभी मैं ये एक शो मतलब लाइव शो डाल रही हूँ जहाँ पे दिखाया गया है इस शो में कि काली जी और शंकर भगवान कैसे तांडव करते हैं और रक्त बीज का मतलब क्या बोलते हैं वध करते हैं। तो ये हम लोग यहाँ जहाँ पे पंडाल लगा था वहीं पे ये तांडव हो रहा था, तो मैंने रिकॉर्ड किया था। मैंने सोचा कि आप लोग भी देखिए और इन्जॉय कीजिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अभी तो आप लोगों को वो फील नहीं आएगा मोबाइल में देख के जो लाइव देख के मुझे फील आ रहा था, बट जो भी हो जैसे भी हो मैंने रिकॉर्ड किया और होपफुली आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो आप लोग भी इसे देखिए और इस वीडियो को प्लीज़ इसके लिए लाइक कीजिएगा और छठ पूजा का ब्लॉग देखने के लिए बने रहिए आगे की आगे और क्या क्या होता है कैसे होता है। Thank you.
আমাদের সাথে একটি ভাগ করে নেওয়া।